हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा श्री राधा गोविंद देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के 8वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम ने श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य की एक चक्र में और खेतरी में लीलाओं का श्रवण किया था। इससे पहले नरोत्तम दास ठाकुर रियाजग्राम में श्रीनिवास आचार्य से मिले थे, और इससे पहले नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद प्रभु से नरसिंहपुर में मिले थे। आज हम श्रीनिवास आचार्य के विवाह का प्रसंग श्रवण करेंगे।
हमने श्रवण किया था। रघुनंदन जो हैं रघुनंदन ने श्रीमास आचार्य का उनको केयर करने का जिम्मेदारी लिया था। तो रघुनंदन अभी जाजग्राम में आए और उन्होंने श्रीनिवास आचार्य के विवाह का प्रबंध किया। जाजग्राम में श्री गोपाल चक्रवर्ती रहते थे। गोपाल चक्रवर्ती, उनकी इच्छा थी श्रीनिवास आचार्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने का। एकांत स्थान में श्री रघुनंदन ने बड़ी मधुरता के साथ में श्री गोपाल दास से कहा कि आपकी जो पुत्री है वो श्रीनिवास आचार्य के लिए उचित मेल है। यह शब्द सुनकर गोपाल चक्रवर्ती बहुत आनंदित हुए। सारे संबंधी को इन्फॉर्म किया गया ये विवाह के लिए। उन्होंने सबने कहा इस कन्या को जरूर श्रीनिवास आचार्य को तुरंत इसी क्षण इनका मिलाप कराया जाए। इस वैशाख के मंथ में के तीसरे दिन कृष्ण पक्ष में उचित क्षण में गोपाल चक्रवर्ती ने अपनी कन्या को श्रीनिवास आचार्य को साथ विवाह की। उस कन्या को सभी ने द्रौपदी के नाम से पुकारा। पर विवाह के दिन उसका नाम हो गया ईश्वरी। वो बहुत मधुर और आकर्षण थी, आकर्षित करने वाली थी। वो ऐसा लगता था शौनक की मूर्ति, साक्षात शौनक का विग्रह। भक्ति में साक्षात भक्ति देवी थी, उनके गुणों की कोई सीमा नहीं थी। यहाँ पर नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं कि वो उस ईश्वरी के तेज का, गुणों का, उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। जब उनका विवाह श्रीनिवास आचार्य के साथ हुआ और समय उन्होंने उनका दीक्षा मंत्र भी दे दिया श्रीनिवास आचार्य। इस संबंध में बताना चाहता हूं कि महान ब्राह्मण श्री गोपाल उसी समय श्रीनिवास आचार्य के शिष्य भी बन गए। गोपाल के दो पुत्र श्यामदास और रामचंद्र, जिनको कई लोग बोलते थे श्यामानंद रामानंद, वो भी श्रीनिवास आचार्य के शिष्य बन गए। उनका चरित्र और उनके क्रियाकलाप पर बहुत अद्भुत थे, ये सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैंने बहुत क्षण संक्षिप्त में बताया। आपने पुत्री को
श्री गोपाल चक्रवर्ती को अपनी पुत्री को देते श्री गोपाल चक्रवर्ती ने सभी अतिथियों का सम्मान किया। सारे जो गांव के स्त्री पुरुष सभी ने कहा गोपाल ब्राह्मण बहुत भाग्यशाली है। इस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य का विवाह हुआ। उस समय हर व्यक्ति के हृदय में महान आनंद हुआ। मैं वर्णन नहीं कर सकता कि जो पिता का प्रेम था श्री नरहरि सरकार ने अनुभव किया जब उन्होंने श्रीनिवास आचार्य के विवाह का प्रसंग सुना। ये समाचार सुनकर गदाधर दास और दूसरे जो भक्त थे श्रीनिवास आचार्य की प्रशंसा की। जब आपस में उन्होंने बात की श्रीनिवास आचार्य रेगुलरली अपने शिष्यों को गोस्वामी के ग्रंथों का अध्ययन करवाते थे। श्रीनिवास आचार्य आध्यात्मिक ज्ञान के असीमित सागर थे। उनको बोलते हुए देखकर सब लोग ने हृदय में बहुत आनंद का अनुभव किया। श्रीदास एंड गोकुलानंद द्विज हरिदास वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल निजी संगी थे। उनके दो पुत्र श्रीदास और गोकुलानंद ने निश्चय किया कि जब भगवान गौरचंद्र ने हमें छोड़ दिया है और हमारे पिता वृंदावन चले गए हैं, उस समय उन्होंने हमें आदेश दिया था कि आप श्रीनिवास आचार्य के शिष्य बनाओ। कुछ दिनों बाद श्रीनिवास आचार्य ब्रज से यहाँ पर आए हैं। हमें इसमें देरी क्यों करना चाहिए? हमें तुरंत श्रीनिवास आचार्य के दर्शन करने जाना चाहिए। इस प्रकार से बोलते हुए रास्ते में दोनों पुत्र जो है जाजग्राम गए और आनंद पूर्वक हृदय से श्रीनिवास आचार्य के घर गए। जो उनके पिता का आदेश था अब उनकी आंखों के सामने श्रीनिवास आचार्य थे। दोनों लोग श्री श्री राधा कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम में डूब गए। जब श्रीनिवास आचार्य ने पूछा उनके बारे में दोनों ने अपना परिचय बताया। बारंबार उन्होंने प्रणाम किया। श्रीनिवास आचार्य को अपने आप को परिचित करने के बाद में दोनों बालक थे। महान आदर के साथ में और आध्यात्मिक इमोशन के साथ में आंसू बहने लगे उनके आंखों से। श्रीदास और गोकुलानंद दोनों ने कहा हमें दीक्षा दीजिए, हे कृपा हमारे ऊपर कृपा कीजिए। आचार्य ने कहा अभी तुम्हें कुछ समय इंतजार करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने उनको गोस्वामियों के ग्रंथों के अध्ययन में लगाया और दोनों पुत्रों ने ध्यान पूर्वक उनका श्रवण किया, अध्ययन किया। मैं वर्णन नहीं कर सकता उनके अद्भुत कार्यकलापों का। दोनों पुत्र जो है उनका श्रीनिवास आचार्य के प्रति गहरा स्नेह था और वे उनके शिष्यों के साथ में रहे। बच्चा श्रीनिवास रामचंद्र से मिलते हैं। एक दिन जाजग्राम में श्रीनिवास आचार्य ठाकुर एक
लेक में गए, झील में गए, सरोवर में गए, उनके घर के पश्चिमी की तरफ था, अपने संगियों के साथ में वो वहां बैठ गए। वो सूर्य के समान तेजस्वी दिख रहे थे और कपापूर्ण आंखों से उन्होंने उस रास्ते पर देखा। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है एक बहुत ऐश्वर्यशाली पालकी ला रहा है, पालकी पे लाया जा रहा। उन्होंने बहुत लेविश ड्रेस पहन रखी थी, वो एक विवाह से वापिस आ रहा था। वो कामदेव के समान सुंदर था और वो कई इस प्रकार के गहनों से सुसज्जित था और उसका जो लक्षण थे बहुत कृपावाल थे और अच्छे थे। इसका जो रूप था, कॉम्प्लेक्शन था, वो फ्रेश बटर जो रहता है उससे भी ज्यादा सुंदर था। इसका जो रूप था वो गोल्डन केतकी, सोने के केतकी और चंपक फ्लावर जो गोल्डन कलर के, उनकी भी सुंदरता को भी हरा देता। उसके सिर पर बाल चमक रहे थे और उनके मस्तक बहुत ग्लोरियस था। उसकी आंखें और आंख भौएं हृदय को प्रसन्न कर देती। उसके जो ईयर्स थे, कान, नाक और चिक्स थे, वो ऐश्वर्यशाली थे और उनका कोई दूसरा जोड़ी नहीं था। उनका मुखमंडल एक ग्रेसफुल मून के समान था। उनके होठ लाल थे और उनका गर्दन जो था वो शंख के समान था, सिंह की गर्दन के समान था। उनका जो वक्षस्थल था वो बहुत चौड़ा था। उनकी जो बेली थी उसके अंदर जो नेवल था, नाभि थी, वो आकर्षक थी। उनकी जो कमर थी उस पर स्किन के 3 फोल्ड थे, शोभा पा रही थी। उनकी भुजाएं, उनकी घुटनों तक पहुंच रही थी और उनके जो फिंगर्स थे बहुत कृपा, बहुत ही सुंदर थे। उनका कमर जो दुर्बल पतली थी और उनके घुटने और पैर जो थे बहुत आकर्षक थे। उन्होंने बहुत सुंदर फाइन वस्त्र पहन रखे थे। उनको देखकर श्रीनिवास आचार्य ने आश्चर्य व्यक्त किया, ये क्या कहे, गंधर्व के पुत्र हैं या अश्विनी कुमार के पुत्र हैं? उसका यूथफुल जो इनका युवा सुंदरता कितनी है, मेरे हृदय में मुझे लगता है कि ये कोई देवता होने चाहिए। अगर ये कृष्ण की पूजा करते हैं तो अपने रूप को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। जब श्रीनिवास आचार्य इस प्रकार बोल रहे थे, उन्होंने अपने संगियों से पूछा, इसका नाम क्या है, इसके जाति क्या है, इसका घर कहाँ है। इस प्रकार से प्रणाम करके किसी ने कहा, ये महान पंडित है, उसका नाम रामचंद्र है, ये कवियों का राजा है, दिग्विजय पंडित है और वैद्य भी है, ये वैद्यों की फैमिली में है और इसका घर कुमार ग्राम में, कुमार नगर में। ये सारे सुन के कृपा दयालु जो है श्रीनिवास आचार्य ने मुस्कुराया और अपने घर चले गए। श्रीनिवास आचार्य की ये इंक्वायरी सुन के रामचंद्र जो है वो अपना पालकी में अपनी यात्रा कंटिन्यू की। इस प्रकार से उसने श्रीनिवास आचार्य को पहली बार देखा। बार बार सोच के इनके हृदय में रामचंद्र ने श्रीनिवास को अपना समर्पण कर दिया। वो सोच रहे थे, मुझे कितने क्षणों तक इंतजार करना पड़ेगा कि मैं फिर से उनको कब देखूंगा, कितना इंतजार करना पड़ेगा। गंभीर श्री रामचंद्र जो है कुछ समय तक मौन रहे, शांत रहे और घर चले आए। उन्होंने पूरा दिन जो है ग्रेट एंग्विश, क्रोध में बिताया और
वो रात्रि जो है ब्राह्मण के घर बिताई। अधीर मन से वो श्रीनिवास आचार्य के चरण कमलों के बारे में सोचते रहे। अगले दिन मॉर्निंग में वो श्रीनिवास आचार्य के पास गए, उनके सामने खड़े होकर रामचंद्र रोने लगे। जिस प्रकार से एक टूटा वृक्ष होता है, खुड़ा वृक्ष रहता है, वो तुरंत भूमि पर गिर पड़े उनके सामने। बारम्बार उन्होंने अपना प्रणाम किया और वो शांत नहीं रहे। रुंधी आवाज में और भावनाओं में रामचंद्र ने भी श्रीनिवास आचार्य से वार्तालाप किया। उनको बोलते हुए उनके कौन शांत रह सकता है। उन्होंने अपना मस्तक जो श्रीनिवास आचार्य के चरण कमलों में रख दिया, भूमि पर गिर पड़े और वहां पर रहे। उनका जो शरीर है धूल से किया। रामचंद्र का हाथ पकड़ते हुए श्रीनिवास आचार्य ने बड़े आनंद से उनको उठाया और गले लगा लिया। रामचंद्र के हेड को अपने सिर मस्तक को अपने हाथ से स्पर्श करते श्रीनिवास आचार्य ने उनको आशीर्वाद दिया। उनकी आंखें जो है आंसुओं से भर गई। श्रीनिवास आचार्य ने बहुत मधुरता के साथ कहा। इसी श्रीनिवास आचार्य उनसे बोलते हैं कि इसी प्रकार से मैंने नरोत्तम दास ठाकुर से भी वृंदावन में भेंट की थी। कौन जो है हमेशा ऐसा रोएगा नहीं जब वो नरोत्तम दास ठाकुर की महिमा के बारे में श्रवण करेगा। नरोत्तम दास ठाकुर एक आंख है मेरी और तुम दूसरी आंख हो, ये श्रीनिवास आचार्य ने ये श्रीनिवास आचार्य ने रामचंद्र को बोला। आप दोनों मेरी भुजाएं और आप दोनों मेरे आंखें। जब उन्होंने नरोत्तम का नाम सुना, रामचंद्र ने बहुत आनंद, आध्यात्मिक आनंद और प्रेम का अनुभव किया अपने हृदय में। श्रीनिवास आचार्य ने उन समझ गए कि उन्होंने के श्रीमान रामचंद्र के हृदय में किस प्रकार के विचार हैं। श्रीनिवास ने नरोत्तम दास ठाकुर का बहुत विस्तृत वर्णन किया। जब इस प्रकार से सुना, रामचंद्र ने अपने विचारों को प्रकट नहीं किया श्रीनिवास आचार्य में। श्रीनिवास आचार्य स्माइल करने लगे, मधुरता से बोलते हैं, तुम्हारे हृदय में जो इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। इस प्रकार कहकर श्रीनिवास आचार्य ने रामचंद्र कविराज के ऊपर बहुत कृपा की। तब उन्होंने रामचंद्र को गोस्वामियों के ग्रंथों का अध्ययन करवाया। रामचंद्र की अद्भुत शक्ति का श्रवण करते हुए हृदय में आनंद करके उचित क्षण पर श्रीनिवास आचार्य ने उनको दीक्षा दे दी, राधा कृष्ण के मंत्र की दीक्षा दी। इस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य के शिष्य बनकर रामचंद्र अमृत के सागर में, शुद्ध भक्ति के सागर में डूब गए। दिन प्रतिदिन उनका आध्यात्मिक प्रेम बढ़ता गया। इस ग्रंथ में कवि कर्णपूर्ण गोस्वामी ने ये इनकी कथा बहुत मधुरता से सुनाई है। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र के बीच में, जो कि दोनों आध्यात्मिक प्रेम से भरे हुए शुद्ध भक्त का वो शुद्ध भक्ति के प्रेशियस ज्वेल प्राप्त करेगा। श्रीनिवास आचार्य के चरण कमलों के बारे में सोचते हुए नरहरि दास इस भक्ति के रत्नाकर ग्रंथ को लिखते हैं। इस प्रकार से आठवां चैप्टर जो था, आठवां अध्याय भक्ति रत्नाकर का खत्म होता है। नौवां अध्याय श्री सच्चिदानंद गोवर्धन चंद की जय हो, पद्मावती के पुत्र की जय हो, पद्मावती के पुत्र नित्यानंद की जय हो, नामा देवी
नाभ्या देवी के पुत्र श्री अद्वैत की जय हो, रत्नावती के पुत्र गदाधर की जय हो, श्रीवास और दूसरे महापुरुष के पार्षद की जय हो। मैं एक अज्ञानी व्यक्ति हूँ और मैं वैष्णव प्रभु से निवेदन करता हूँ, मेरे मिशन को पूरा करें। इसके बाद हम सुनते हैं जो पहले कथा छोड़ी थी हमने, किंग वीर हमवीर जिसने ग्रंथ चुराए थे उसका पश्चाताप। तो वन विष्णुपुर का जो राजा था वीर हमवीर, वो उत्सुक हो गया श्रीनिवास आचार्य को दर्शन करने के लिए। वो अपने आप को अनाथ समझने लगा, कोई भी उसका जगत में केयर करने वाला नहीं था। बिना प्रभु श्रीनिवास के धीरे धीरे वो अंधकार में डूब गया। उन्होंने अपने पूरे के क्रियाकलाप पर पश्चाताप किया, जिससे वृंदावन के गोस्वामी के प्रति वो अपराधी हो गए थे। इस अपराध के कारण वो कभी भी गोस्वामियों की कृपा नहीं प्राप्त करेंगे। अपने अपराधों को याद करते हुए उन्होंने अपने इस निराशा को नियंत्रित करने का सोचा। वो मितभाषी हो गया और अपने निराशा को नियंत्रित किया। राजा की इस अवस्था को देखकर उसके जो मित्र थे और दूसरे लोग थे, उन्होंने राजा को आश्वासन देने की कोशिश की कि श्रीनिवास आचार्य कुछ दिनों के लिए गए और जल्दी से लौट आएंगे। उन्होंने के शिष्य में वो ज्यादा विचार न करें, क्योंकि वो सब लोग जानते थे कि आचार्य श्रीनिवास का राजा के प्रति बहुत स्नेह है। वे जानते थे कि अगर श्रीनिवास आचार्य उनके ऊपर कृपा करेंगे तो वो भी उन्हें भी गोस्वामी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि उसको शोक नहीं करना चाहिए, जो भी उसने आचार्य श्रीनिवास के साथियों के साथ वृंदावन में किया। जब इस प्रकार के उनके दरबारी लोग, राजा के जो दरबार के लोग थे, वो राजा के साथ इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, तो दो व्यक्ति जो है वृंदावन से आए, उसी समय ब्रज से दो व्यक्ति आए। दो दरबारी लोग जो है ब्रज से आए, जीव गोस्वामी के दो पत्र लेके। जब राजा ने उन दोनों के, क्योंकि ब्रजवासी थे, ब्रज से आए थे, उन्होंने उनके चरण कमलों में गिर पड़े, तो जो दूत थे, संदेशवाहक थे, उसके नम्र व्यवहार से बहुत आश्चर्यचकित रह गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने राजा से कहा कि वे प्रसन्न हैं कि वो राजा के हम्बल एटीट्यूड से, मधुर व्यवहार से प्रसन्न है, जिसके बारे में उन्होंने ब्रज में इतना सुन रखा है।
उन्होंने उनको जीव गोस्वामी के दो लोटर दिए, एक उसमें श्रीनिवास आचार्य का था, दूसरा राजा के लिए। राजा ने बड़े आदर के साथ में उस पत्र को स्पर्श किया अपने आंखों से और हेड से, और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हुए उन्होंने वो लेटर को ओपन किया इन अश्रुपूर्ण आंखों से। जीव गोस्वामी के जो मधुर शब्द थे वो किसी के भी मन को शीतलता प्रदान कर सकते हैं। इन पत्रों को पढ़ते हुए राजा ने कहा, कि जो महाप्रभु के साथी हैं और बहुत दयालु हैं। राजा बोलता है, जो मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति को भी आशीर्वाद दिया। राजा रोने लगा कृतज्ञता से, और उसके बाद में उन्होंने दोनों मैसेंजर का के प्रति बहुत हार्दिक और स्नेहपूर्ण व्यवहार किया। जब श्रीनिवास आचार्य उस समय जाजग्राम में पहुंचे, राजा ने जल्दी में एक पत्र स्वयं लिखा और जी गोस्वामी के साथ लेटर के साथ अटैच कर दिया। उन्होंने दोनों व्यक्ति को भेजा, अपने अपने कोर्ट से दो व्यक्ति को भेजा और वो लेटर जो श्रीनिवास को देने के लिए। श्रीनिवास ने वो लेटर प्राप्त किया और जो जीव गोस्वामी से मिला था लेटर उसको स्पर्श किया, अपने सिर पे लगाया। वो लेटर से बहुत प्रभावित हुए जीव गोस्वामी से जो टर्म मेटल आता, वो उन्होंने अपने आंखों के आंसू कंट्रोल नहीं कर सके। जब उन्होंने अपने आप को शांत किया और लेटर पढ़ा राजा से, राजा के लेटर से वो समझ गए कि राजा उनको फिर से मिलना चाहता है। पर अपने रिप्लाई में श्रीनिवास आचार्य ने राजा को इन्फॉर्म किया कि उनके आने में कुछ देरी होगी। उन्होंने कई और भी चीजें राजा को लिखी और मैसेंजर जो है उस लेटर को लिख के वन विष्णुपुर गए। राजा उन पत्रों को लेटर को रिसीव करके बहुत प्रसन्न हुआ। जाजग्राम में श्री निवास आचार्य ने अपने भक्तों को ये बताया कि भक्ति जो है कृष्ण को प्राप्त करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। श्रीनिवास हमेशा चिंतित रहते थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं वो इस जगह से चले गए। जो अभी भी जीवित थे वो ज्यादा देर जीवित नहीं रह पाएंगे, उसकी इस चिंता के बावजूद वो भक्ति की फिलॉसफी को उन्होंने बड़ी बोल्डली और बहुत प्रबलता के साथ प्रचार किया और कई स्टूडेंट्स को अपनी तरफ आकर्षित किया। एक बार दो ब्राह्मण दक्षिण क्षेत्र से श्रीनिवास आचार्य के अंडर पढ़ने आए। उन्होंने बड़े आदर के साथ में श्रीनिवास आचार्य को प्रणाम किया, उन्होंने गले लगाया, उन्होंने श्री क्षेत्र की कंडीशन के बारे में पूछा और उनको निराशा हुई ये सुनते हुए कि महाप्रभु के ज्यादातर जो अनुयायी हैं उन्होंने जगह को छोड़ दिया है और श्री क्षेत्र जो है बहुत दुखी कंडीशन में हो गया है। दुखी श्री क्षेत्र मतलब जो उत्कल का क्षेत्र जगन्नाथपुरी उसके आसपास। उन्होंने ये भी सुना कि श्यामानंद नीलांचल को चले गए पर महाप्रभु के कुछ ही अनुयायी उन्हें मिले हैं और कुछ ही उनमें से जीवित। श्यामानंद ने रोते हुए अपने दुख में इतना रोए उनके विरह के दुख में कि पत्थर और लकड़ी भी पिघलने लगे। जो श्रीनिवास श्यामानंद जो प्रभु जो है इतना रोए, जब उन्हें पता लगा कि
महाप्रभु के ज्यादातर अनुयायियों ने अब शरीर छोड़ दिया। इसके बाद श्यामानंद प्रभु वृंदावन चले गए। आचार्य श्रीनिवास भी रोने लगे जब उन्होंने ये समाचार सुना, बट गोस्वामियों के ग्रंथ को पढ़ाते रहे। एक दिन एक वैष्णव आया नवदीप से श्रीनिवास आचार्य से मिलने के लिए। उनसे श्रीनिवास आचार्य ने पूछा, श्रीनिवास आचार्य उनसे श्रीनिवास आचार्य ने सुना कि शुक्लांबर और दूसरे जो महाप्रभु के दूसरे भक्त हैं, उन्होंने अभी अभी भी जगत छोड़ दिया है, संसार छोड़ दिया है। उसी समय दूसरा भी एक मैसेंजर आया, संदेश वाहक आया श्रीनिवास के पास। ये समाचार है कि गदादास भी उसी दिन उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। श्रीनिवास आचार्य सब समाचार को सहन नहीं कर सके और अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़े। जब उन्होंने अपने इंद्रियों को फिर से संयमित किया, फिर से चेतना में आए, वो इतनी जोर से रोने लगे कि जो पशु थे, पक्षी थे, वो भी जोर जोर से रोने लगे। अंत में उन्होंने अपने इस कष्ट को कम किया और अपने भक्तों से बोला कि वो वृंदावन चले जाएं। और श्रीनिवास आचार्य और उनकी अनुपस्थिति में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वो उनके साथ रहेंगे, उनको शास्त्रों का मीनिंग बताने में। इस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य ने अपने शिष्यों को महान आशीर्वाद दिया। इसके बाद एक दिन श्रीनिवास आचार्य अकेले बैठे थे। उन्होंने सोचा कि महाप्रभु के अनेक अनुयायियों ने शरीर छोड़ दिया है, उनको अकेला छोड़ दिया इस जगत में। ये जब उन्होंने सिचुएशन समझा, एक संदेशवाहक ने उनको आके इन्फॉर्म किया कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री नरहरि ठाकुर भी इस जगत को छोड़ के चले गए, नरहरि सरकार। ये शब्द सुन के उनको बिजली की जैसा बिजली का झटका लगा और वो भूमि पर गिर कर रोने लगे। उन्होंने सारी रात्रि जो है दुख में व्यतीत की। ऐसा लगता था कि मॉर्निंग में सुबह वो भी अपना शरीर छोड़ देंगे। महाप्रभु की इच्छा से गदादास अधिकार और नरहरि उनको श्रीनिवास को स्वप्न में आए, उनको शांत किया, एकांत उनको आश्वासन दिया। उन्होंने उसे अपना शरीर छोड़ने के लिए निरुत्साहित किया, बोला अपना शरीर मत त्यागो और ये बताया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा हम दोनों लोग। इस ड्रीम में दोनों वैष्णव संत ने उनको गले भी लगाया, बट वो जागा जब श्रीनिवास आचार्य तो उन्होंने देखा निराश हुए क्योंकि वो दोनों को देख नहीं पा रहा था। सुबह प्रातः काल उन्होंने रामचंद्र से गुप्त रूप से कुछ वार्तालाप की और उसके बाद वृंदावन चले गए। वो मथुरा जल्दी जल्दी पहुंचे और उन्होंने यमुना में स्नान किया। विश्राम घाट में एक मथुरा के ब्राह्मण ने श्रीनिवास को देखा कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गए हैं मथुरा में गोवर्धन से। उन्होंने श्रीनिवास के पास गए, उनको प्रणाम किया और उसके ब्रज का उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। जब श्रीनिवास ने ब्रजवासियों का हाल जल पूछा, ब्राह्मण ने
गहरी सांस लेते हुए उनको बताया कि हालांकि वे माघ के मध्य में जल्दी आए थे, फिर भी बहुत देर हो गई थी। अगर 10 निवास 10 दिन पहले आ जाते वो भक्तों का दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि कृष्ण एकादशी माघ मंथ में द्विज हरिदास भी अप्रकट हो गए। इस जगह से श्रीनिवास ने शोक किया कि वो द्विज हरिदास को देखने नहीं आ पाए, पर ब्राह्मण ने उनको आश्वासन दिया। इसके बाद श्रीनिवास आचार्य मथुरा चले गए और फिर उसके बाद वृंदावन चले गए। वृंदावन में वो सारी गोस्वामी से मिले, उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। वो वसंत पंचमी दिन वहां पहुंचे और श्री गोपाल भट्ट, श्री भूगर्व लोकनाथ जी गोस्वामी और दूसरे गोस्वामी श्री राधा गोविंद के टेम्पल में थे। उस समय जब उन्होंने श्रीनिवास को देखा आ रहा है, उन्होंने उनको स्वागत किया, बहुत हार्दिक रूप से एक दूसरे को गले लगाया एक के बाद एक। उन्होंने गौड़ देश के भक्तों के हालचाल पूछे श्रीनिवास से, बट मौन को सबको गोस्वामी को बहुत दुख हुआ कि महाप्रभु के सारे जो संगी एक के बाद एक त्याग गए। उन्होंने शोक व्यक्त किया। वे बहुत शोक करने लगे पर वो समझ नहीं पाए कि श्रीनिवास वृंदावन आ गए उसके अपने दुख के कारण। इसलिए उन्होंने उनको आश्वासन दिया और उसके बाद में उन सारे लोगों ने राजभोग आरती की श्री गोविंद की। राधा गोविंद की दीदी के दर्शन करके श्रीनिवास बहुत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात श्रीनिवास और जो दूसरे गोस्वामी गोस्वामी थे उन्होंने महाप्रसाद लिया एक साथ में। इसके बाद गोस्वामी लोग अपने अपने घर चले गए, श्रीनिवास भी घर चले गए श्री जी गोस्वामी के साथ में। इसके बाद श्यामानंद प्रभु भी वृंदावन जाते हैं। श्यामानंद प्रभु वो भी वृंदावन गए श्री क्षेत्र से। उन्होंने सबसे पहले देखा जीव गोस्वामी, उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री जीव गोस्वामी ने बड़े स्नेह के साथ में उन्हें आलिंगन किया और उनको बताया कि श्रीनिवास भी आए हुए हैं। आचार्य श्रीनिवास ने श्यामानंद के चरणों में प्रणाम किया और उनका हाथ पकड़ के वे दोनों एक साथ बैठे। दोनों ने बातचीत की और बीच में आंखों से आंसू बहाए। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपने भावनाओं को नियंत्रित किया और श्री आचार्य अकेले चले गए यमुना रिवर पर स्नान करने के लिए। यमुना रिवर पर स्नान करने के बाद उन्होंने श्री जीव गोस्वामी को प्रणाम किया और गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिलने गए। इसके बाद श्री आचार्य श्रीमान आचार्य एक बार फिर से जीव गोस्वामी के अधीन रहकर उनके मार्गदर्शन में रहकर उन्होंने अध्ययन किया। शिव जीव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य के उद्देश्य से प्रसन्न थे। जीव गोस्वामी से श्रीनिवास आचार्य ने श्री गोपाल चंपू की ग्रंथ का अध्ययन किया और इस प्रकार से जीव गोस्वामी के अंदर स्टडी करने से बहुत प्रसन्न थे। इसके बाद रामचंद्र गोस्वामी भी, रामचंद्र कविराज जिनको श्रीनिवास आचार्य ने दीक्षा दी थी, वो भी जो है वृंदावन जाते हैं। श्रीनिवास आचार्य ने तो वृंदावन में रुकने का निश्चय किया, बट उनके जो शिष्य थे गौड़ देश में वो अनुभव कर रहे थे, बहुत अकेला अनुभव कर रहे थे। उन्होंने बिना उनके एक दिन श्रीखंड में श्री रघुनंदन ने रामचंद्र कविराज को कहा, क्योंकि ये स्थान रिक्त हो गया है, तो उनको तुरंत वृंदावन जाना चाहिए। उन्होंने रामचंद्र को बोला,
डायरेक्शन दिया और रामचंद्र पहले जाजग्राम में गया, तो जो श्रीनिवास आचार्य के अनुयायी थे उन्होंने रामचंद्र को बोला कि बिना श्रीनिवास आचार्य के लिए उनके रहना मुश्किल हो गया। उन्होंने निवेदन किया कि तुरंत वृंदावन जाए और श्रीनिवास को वापस लाए। इस प्रकार से श्रीनिवास के शिष्यों से परमिशन लेके रामचंद्र घर चले गए। उसके बाद रामचंद्र ने नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में सोचने लगे और उन्होंने सोचा कि उनके कष्ट खत्म हो जाएंगे अगर वो नरोत्तम दास ठाकुर के साथ रहेंगे। रामचंद्र के भाई श्री गोविंद वो अद्भुत ज्ञान के व्यक्ति थे, योग्यता के, और उत्साह के। जब वो आपस में एकांत स्थान में बैठे थे, रामचंद्र ने उनको कहा कि अगले दिन वो वृंदावन जाएंगे, और उन्होंने गोविंद जो थे उनके भाई उनको सलाह दी कि वो तेलिया बुधरी गांव में जाएं, एक पवित्र स्थान है जो गंगा और पद्मावती नदियों के बीच में है। एक बहुत बड़ा और बहुत भीड़ वाला स्थान है, यहाँ पर अच्छे स्वभाव वाले लोग हैं। रामचंद्र ने गोविंद को सलाह दी कि गोविंद वहां पर है। रामचंद्र ने गोविंद को सलाह दी कि वो वहां पर रहे। क्योंकि उनके नाना जो थे वो बहुत जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे वो भी इस पवित्र स्थान पे आया करते थे। उन्होंने श्री गोविंद को बोला कि उनकी जो उपस्थिति स्थान में वो यहाँ के लोगों को बहुत आनंद प्रदान करेंगे, और श्री गोविंद उसी समय एग्री हो गए उनके उस स्थान में रहने के लिए, तेलिया बुधारी। उसके बाद रामचंद्र ने गोविंद को कई और सत्य बताए और अगले दिन अपने ब्रदर के साथ छोड़ के रामचंद्र जो है वृंदावन चले। श्रीनिवास तो वृंदावन में थे वैशाख के अंत में, रामचंद्र पौष मन्य महीने के अंत में गए। तो जो गोविंद है जो रामचंद्र के भाई, वो जब गए उन्होंने कुमार नगर छोड़ के तेलिया बुधनी गए, जहां पर उन्होंने ग्रामवासी उन्होंने बहुत प्रसन्नता के साथ उन्हें रिसीव किया। जो गांव के सभी पुरुष थे वो आगे आए सामने और उनको उन्होंने एक सुंदर स्थान सेलेक्ट किया वहां पर रहने के लिए। वो गोविंद के गुणों से प्रसन्न थे बहुत, और गोविंद भी उनके स्नेह से और संग से प्रसन्न था। हालांकि गोविंद वहां पर संतुष्ट था, वो फिर भी श्रीनिवास आचार्य की कृपा को नहीं भूला। उन्होंने सोचने लगे कि वो दिन कब आएगा जब मैं श्रीनिवास आचार्य चरण कमलों में का सेवक बनूंगा, और कब आचार्य जो है श्रीनिवास आचार्य उनको दीक्षा देंगे, और कब जो है वो श्री शिवदत्त आचार्य के साथियों में गिनती होगी, संगियों में गिनती होगी।
भगवती भगवती देवी के भक्त के रूप में गोविंदा कुमार नगर में रहे, देवी की वर्शिप करते हुए गीतों से और कविताओं से जो उनके भक्तों को प्रसन्न करने वाली थी, साथियों को, और वो भी उनकी शक्ति के उपासक थे। उस कवि ने अपनी आसक्ति बताई भगवती के प्रति, कि वो भगवती या शक्ति के प्रति क्यों आसक्त थी, क्योंकि उनके जो नाना जी थे वो शाक्त थे, शक्ति के पूजारक थे, और जिन्होंने हमेशा शक्ति को अपनी तरफ रखते थे। उनके दादा जो का नाम था दामोदर कविराज थे, और दामोदर की दाता पुत्री का नाम सुनंदा, गोविंद जो सुनंदा के पुत्र थे, गोविंद हमेशा माता के घर में बहुत लंबे समय तक रहे, और सुनंदा जो उनकी माता थी बहुत दुखी हुई थी डिलीवरी के समय। उनकी जो सेविका है कविराज को इन्फॉर्म किया कि प्रॉब्लम जो आ रही है उनको उनका डिलीवरी में, तो उन्होंने भगवती की वर्शिप की। उन्होंने मेड सर्वेंट से उस सेविका से बात नहीं की, बट उनके कुछ हाव भाव देख के उन्होंने बोला कि आपको श्री दुर्गा के शस्त्र ले जाए और उसको सुनंदा को बताए, वो जो शस्त्र हैं वो उनको बच्चे की दर्द रहित डिलीवरी में सहायता करेंगे। मेड सर्वेंट जो सेविका थी वो कविराज के भाव को जो उंगलियों से इशारा कर नहीं समझ पाई, उन्होंने उस शस्त्रों को जो है जल में धोया और जल सुनंदा को दे दिया। इसके बाद सुनंदा ने तुरंत पेनलेसली उस सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सुंदर पुत्र चरमा के समान आगे आगे बढ़ने लगा। हर कोई जानता था कि वो श्री भगवती की कृपा से जन्म हुआ। युवावस्था में उसने अपने पिता को खो दिया और कोई बाहरी, उसको वर्ल्डली एजुकेशन नहीं मिला, बाहरी शिक्षा नहीं मिली। उनकी जो नानी थी उन्होंने कुछ समय तक उनका केयर किया बचपन तक। गोविंद को अपने सिद्धांत के अनुसार और रीति रिवाज के अनुसार माता भगवती की सेवा में उनको बड़ा किया। दूसरे लोगों ने भी सलाह दी गोविंद का कि वो भगवती की से पूजा करते रहे। उन्होंने उनको बताया, आग्रह किया कि कोई भी क्रिया जो है बिना माता भगवती के सफल नहीं होती। जब रामचंद्र श्रीनिवास आचार्य से दीक्षा ली थी तो श्री गोविंद तो गोविंद ने अपने आप को आश्वासन दिया कि क्योंकि वो माता भगवती की बहुत सिंसियरली पूजा कर रहा है बचपन से, इसलिए भगवती उनको जरूर मुक्ति देगी। बट जो जब इस प्रकार से सोच रहे थे तो एक आकाशवाणी हुई भगवती से, और उन्होंने बोला कि अगर वो कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। हालांकि गोविंद अब प्रसन्न नहीं थे, फिर भी गोविंद ने श्री कृष्ण निवास आचार्य का शिष्य बनने का निश्चय किया था और भगवान कृष्ण की पूजा करने का निश्चय किया। इस उद्देश्य के लिए वो जाजग्राम गए थे ये सीखने के लिए कि श्रीनिवास आचार्य, लेकिन उनको पता लगा कि श्रीनिवास आचार्य वृंदावन गए। गोविंद को बहुत शौक हुआ कि उनका दुर्भाग्य, बट उन्होंने इसको वैष्णव की कृपा समझी जो उन्होंने उनको बताया कि उनके उनके पिता स्वयं चिरंजन सेन हैं। चिरंजन चैतन्य चंद्र के भक्त शिष्य थे, और गोविंद ने शोक किया कि वो अपने पिता का रास्ता नहीं अपना पाया। उन्होंने अपने आप को इस जगत में अयोग्य व्यक्ति समझा और शोक करने लगे अपने दुर्भाग्य पर। गोविंद अपने मन में श्रीनिवास आचार्य से मिलने का आशा करते रहे, जिससे एक बदलाव आएगा उनके दुष्ट अब उसके अपने दुष्ट मन। उन्होंने अपने बड़े भाई को याद किया जिनका जीवन आचार्य श्रीनिवास आचार्य ने सुधार दिया है। उसने शोक किया कि हालांकि उसके ब्रदर को भगवान की कृपा मिल गई या श्रीनिवास आचार्य की कृपा मिल गई, उसको नहीं मिली। और रोते थे और अपने आप को फटकारते थे, डांटते थे और अपने शरीर को आंसुओं में भिगो लिया। उसी समय एक आकाशवाणी
कि उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी कुछ दिनों में। उस दिन से गोविंद राधा कृष्ण के प्रति भक्ति और बढ़ गई कई गुना। तो रामचंद्र को पता लगा कि उनका भाई जो है इस प्रकार से उसका परिवर्तन हो गया है, वो देवी की पूजा के बजाय राधा कृष्ण की पूजा कर रहा है। जब गोविंद तेलिया बुधारी गांव में गए, वो पहले पश्चिमी घाट पर रहे, उसको बोलते थे पश्चिम पाद, और बाद में बुधारी में हो गए। जीवन के हर भाग में वो अपने भाई के ऊपर डिपेंडेंट रहे। इस प्रकार से ये द्विज हरिदास के पौर पुत्र रामचंद्र गोविंद का लीला इसमें आता है। इसके आगे बाद रामचंद्र कविराज की, वही रामचंद्र या रमितन कविराज आगे कहाँ कहाँ पे रहते हैं वृंदावन में, इसका वर्णन हम कल की क्लास में सुनेंगे। आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। श्रीमद् भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। सभी भक्तगणों की जय।